A few moments later. Hello guys, welcome to my new blog. आज के ब्लॉग में आपका लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप लोगों ने प्रीवियस ब्लॉग के अंदर देखा होगा कि हम लोग निकल गए थे अपने क्रिसमस पार्टी के लिए, जो कि हुआ था बहुत खतरनाक वाला क्रिसमस पार्टी। और उस पार्टी के दौरान इतना स्टार्ट हो गया था बारिश बहुत खतरनाक वाला, और पूरा अपना होटल के बाहर खतरनाक वाला पूरी पानी भर आ गई थी। और हम लोग कैसे चल के गए थे, हम लोग 5-6 किलोमीटर कैसे पहुँचे। तो उस ब्लॉग के अंदर आपको सब कुछ दिखने वाला है। ये अपना ब्लॉग का पार्ट 2 रहने वाला है। तो गाइस इस ब्लॉग के अंदर बने रहे, मजा आएगा, खूब मजे करेंगे। तो गाइस में अब चलते हैं अपने पार्ट 2 के ब्लॉग के अंदर। भाई से चेक करो भाई, इतनी गंदी बारिश पड़ रही है आज, बहुत खराब बारिश पड़ रही है भाई, पूरा पानी भरा गया आज तो इधर भाई, पूरा सिस्टम डाउन हो गया आज। गाइस चेक करो भाई, पूरा फुल सिस्टम पानी भरा गया भाई, एक्टिवा डूब चुकी है इधर, एक्टिवा बाइक बाइक सब डूब गया थोड़ा भाई साहब। गजब बेइज्जती है। तो गाइस हमारी प्रेशर पार्टी है, प्रेशर पार्टी बर्बाद हो चुकी है अपने। 400 रुपए का टिकट था, प्रेशर आ गया यार। स्विमिंग पूल का भी एंजॉय मिला है, आप बहुत अच्छे से तरीके से तैरना भी सीख सकते हो। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। इन सब को पार्टी महंगी पड़ी है, पार्टी महंगी पड़ गई। 400 रुपए का टिकट लिया था, यहाँ पे अपने 1500-2000 के पानी में बहते हुए। चलो गाइस ये देखो, सबका बाइक रिक्शा सब बंद पड़ चुका है, सब धक्का मार के जा रहे हैं। तो प्रेशर पार्टी, ये तो प्रेशर पार्टी है। देख अब हो गया, देख ले साले। यहाँ से डायरेक्ट निकले मणिनगर। हेलो भाई, सेवन पाइप लाइन में मणिनगर में हूँ, घोड़ा सर केनाल में। आई एम अंडर द वाटर। देख रहे हो हमारी, तो हालत देख रहे हो अभी, इतना गंदा फंस गए। 3 किलोमीटर घुटने तक के पानी में हम चल के गए। हमारे तो फोन के भी ठिकाने नहीं है, फोन में सबके 2-3% चार्जिंग है। ये अंकल जी मिल गए, अच्छा हुआ जिन्होंने मतलब इमरजेंसी में हमारी मदद कर दी। और ऐसा भी नहीं कि मतलब इमरजेंसी, तो उन्होंने ज्यादा पैसे लिए, उन्होंने बहुत सही प्राइस लगाई। आप देख सकते हो ये मतलब इसके गोदी में बैठा है, क्या कर सकते हैं मतलब, क्योंकि 3 बंदों की जगह है। अरे ये आप देख सकते हो कितना पानी है, क्योंकि अंकल जी निकालेंगे, क्योंकि रिक्शा है तो फिर निकलना भी भारी पड़ सकता है। बैटरी ऊपर पानी है, जोरदार झिल्लू बक्स।
सो गाइस हम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद 5 किलोमीटर चलने के बाद हम लोग फाइनली सीजी रोड पहुंच गए। उसके पहुंचने के बाद मीर भाई ने बोला कि हम मेरे को लग रही भूख, अब जाके कुछ हम लोग खाते हैं, पर मुझे लगा नहीं था कुछ मिल जाएगा खाने के लिए क्योंकि अपने रात के बज रहे थे 12 बजे तो पूरा सीजी रोड बंद हो जाता है क्योंकि अभी पड़ रही थी बारिश खतरनाक वाली। तो चेक करते हैं कहीं खाना मिलता कि नहीं मिलता, उसके बाद खाते हैं। चलो अब मिलते हैं। अरे भाई हमको तो भाई कुछ उम्मीद नहीं थी कि हमको कुछ खाने मिल जाएगा 12 बजे के आसपास, पर एक भैया थे जिनके पास बड़ा पाव अवेलेबल था तो हमने बड़ा पाव खा लिया। मस्त भाई, आखिरकार हम लोग घर पहुंच गए। बहुत बड़ा ताला है गाइस, इंपोर्टेंट बड़ा ताला, तो आज तक नहीं देखा। ओह फाइनली, बस तोड़ना थोड़ी है ब्रो, तोड़ना नहीं भाई। भाई आ चुके अपनी जन्नत, जन्नत ये देखो गाइस हालत। और यहाँ पर हम मन भाई का व्लॉग एंड करते हैं गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। गाइस चेक करो कितनी बारिश पड़ रही है बाहर, तो मुझे घर जाना है। मतलब रात का एक्चुअली टाइम टाइम बता घड़ी में। गाइस देखो टाइम देखो कितना हो रहा है, देखो गाइस एक्चुअली टाइम हो रहा है 12:30 रात की, और भाई को अभी भी घर जाने की चुई मची है। घर कुछ पड़ता है 12 बजे। और गाइस बारिश देखो, अभी पीछे आ चुके हैं हम, पर बारिश अभी भी उतनी ही हो रही है, अभी थोड़ी कम हुई है। ठीक है गाइस, ये है मन भाई की बाइक जो की चालू करके जाने वाले है घर। पेट्रोल चेक करा जा रहा है गाइस, ये चल फूट जाऊंगा मैं, दबा के पेट्रोल है गाइस, तो पेट्रोल पंप को खुला नहीं होगा। सो गाइस मिलते हैं अगले ब्लॉग में, और मेरे को नींद आ रही है, घर में सो जाऊंगा। चलो गाइस बाय बाय।